नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टेक एजुकेटर में। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कि आपके सभी सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जितने भी सवाल आपको ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका जितना भी सवाल था आपका, कि अगर आपका नाम अभी तक मेरिट लिस्ट में नहीं आया, आपका कोई भी आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन था आपका कि अगर जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है वो उसमें आपको एडमिशन नहीं कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और एक और तीसरा क्वेश्चन उठता है कि ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, इसके बाद क्या सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सभी सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के नीचे इस रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज 16 जुलाई को 16 जुलाई से एडमिशन 24 जुलाई तक रखा है ऑनर्स में एडमिशन के लिए, तो जिन जिन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और जिनको वो अपना कॉलेज पसंदीदा कॉलेज मिल चुका है, तो वो आज से एडमिशन ले सकते हैं अपने कॉलेज में जाके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड ने डायरेक्ट कह दिया है कि अगर आपका जो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है अगर उसमें आप अपना एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपका जिस कॉलेज में नाम आया है उसमें आपको एडमिशन लेना है, आपको जो है उसी कॉलेज में पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कॉलेज जो है आपको चेंज होगा। वो चेंज कैसे होगा, 26 जुलाई से 29 जुलाई के बीच आपको OFSS के पोर्टल पे जाना है। यहाँ आपको स्टूडेंट लॉगिन देख रहे हैं आप, स्टूडेंट लॉगिन है, इसमें आपको स्टूडेंट लॉगिन में आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे जो आपने कॉलेज ऐड किया था अपने एडमिशन के लिए, जो ऑप्शन आपने भरे थे कॉलेज का, जितने भी कॉलेज का, तो आपको क्या करना है, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेने हैं उसके बाद जिसमें भी आपका मन है कॉलेज को, उस कॉलेज को आपको टॉप पे लाना है। जो कॉलेज आपका अगर नीचे है वो कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन लेना है, तो उसको आपको स्लाइड करके टॉप पे ले जाना है। और उसके लिए देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड ने एक नया प्रक्रिया जारी किया, स्लाइड अप प्रक्रिया, तो उसका ऑप्शन वहाँ आपको दिखेगा, स्लाइड अप ऑप्शन, तो वो आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जब भी ये 26 से डेट है तो मैं 26 को ही आपको वीडियो जरूर आपको मिल जाएगा, इस पे भी एक स्लाइड अप प्रक्रिया क्या है कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, वैसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है लेकिन वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए बिहार बोर्ड ने एक और चीज लिखा है। यहाँ पे देखिए आप, अगर वे प्रथम सूची में आवंटित महाविद्यालय में नामांकन नहीं लेते हैं तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और उनका नाम OFSS सिस्टम से हटा दिया जाएगा, और वर्तमान सत्र में जो द्वितीय और तृतीय चयन सूची जारी की जाएगी उसमें भी उनका आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका दूसरा क्वेश्चन था कि अगर मेरा एडमिशन मतलब जो मेरिट लिस्ट आया है उसमें आपका किसी भी कॉलेज में आपका नाम नहीं आया है, कोई भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है। तो आपको फ्रेंड्स 26 जुलाई का वेट करना है, 26 जुलाई को ये सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए फिर से आपको सब कुछ पोर्टल पे OFSS के वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट लॉगिन में आपको ओपन कर लेना है, और आपको जो भी नया कॉलेज होगा वो आपको उसमें ऐड कर लेना है। जितना भी कॉलेज है अभी तक आपने ऐड किया है, उसके बाद भी अगर कोई कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वो आपको कॉलेज ऐड करना है, और इसके लिए आपको फिर से कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये आपका फ्री में होगा, आपका कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा इसके लिए। और इसमें आप जो है मिनिमम कम से कम 5 कॉलेज ऐड कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कॉलेज, तो आपको कम से कम 5 कॉलेज ऐड करने हैं उसमें, तब जाके आपका जो दूसरा मेरिट लिस्ट निकलेगा, दूसरा मेरिट लिस्ट जो निकलेगा तो फ्रेंड्स वो निकलेगा, उसका भी डेट देखिए बिहार बोर्ड ने दिया हुआ है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी तुरंत। मेरिट लिस्ट है 3 अगस्त को दूसरा मेरिट लिस्ट निकलेगा, और उसका जो एडमिशन डेट होगा वो 4 अगस्त से 10 अगस्त तक उसमें एडमिशन आप करा सकते हो। तो फ्रेंड्स, तो देखिए आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका आपका आंसर मिल गया, और तीसरा क्वेश्चन, तो आपको आंसर जो तीसरा जो क्वेश्चन था आपका कि क्या ये सेकेंड मेरिट लिस्ट भी निकलेगा, तो फ्रेंड्स जी हाँ, वो सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट भी निकलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका इसमें नाम नहीं आया अभी तक तो आप ज़्यादा चिंता मत करो, आपका सब कुछ बिहार बोर्ड आपके बारे में सोच रहा है और आपको 26 जुलाई का बस वेट करना। तो फ्रेंड्स, इस तरह आशा करते हैं कि आपका सभी सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आपका कभी अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरह के रोज अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।